अपने अंदर के विनर को, अपने अंदर के विजेता को बाहर निकालो। अगर आपको 2021-20 में जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि 2020 में नहीं हो पाया या फिर मैं एक फ्रेशर हूँ, 2021 में एग्जाम दूंगा, मेरा क्या होएगा, मैं तो एवरेज बच्चा हूँ, मुझे तो ढंग से कुछ आता ही नहीं है। वो फीलिंग को मारना सबसे पहले जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। अगर शुरू में ही दिल में ये फीलिंग है कि मैं एक लूजर हूं तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले अपने आप से बोलो, आई एम नॉट अ लूजर, आई एम अ विनर। से योरसेल्फ, मैं कोई एवरेज बच्चा नहीं हूं। समझ में आता है, मैं कोई एवरेज बच्चा नहीं हूं। एवरेज जैसी जो ये जो बाउंड्रीज बनी हुई है सिर्फ मेरे दिमाग में है, मेरे में कैपेबिलिटीज अनगिनत हैं जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है, और मैं तुम्हें नीट 2021 फोड़ के दिखाऊंगा। तो सबसे पहली फीलिंग, आगे कुछ भी करने से पहले, अपनी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले एक फीलिंग दिमाग में होनी चाहिए, और वो ये कि मैं एवरेज नहीं हूं, मैं लूजर नहीं हूं, मैं एक विनर हूं। एक बार चैट में लिख के बोलो सबके सब, आई एम विनर। यस, आई एम विनर। राइट डाउन इन चैट सेक्शन। तो अपने दिमाग से बात निकाल दो, आई एम एवरेज। नो, नॉट एट ऑल। कौन कहता है मैं एवरेज हूं, मैं कौन कहता है लूजर हूं? तुम कौन हो कहने वाले? तुम जज हो क्या? तुम मेरी फीस भरते हो क्या? तुम हो कौन मुझे बताने वाले कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है? मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। सारा खेल एटीट्यूड का है। तुम में जो पावर है ना, वो इनफिनिट लेवल की है, बट सवाल ये है कि क्या तुम उस पावर को समझ पाते हो। और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अपने अंदर उस विनर को खोजे, बाहर निकाले, और वो विनर बाहर तभी निकलेगा जब वो लूजर का टैग हटाएगा अपने सामने से।